दोस्तों आई जो नेशनल हाउसिंग बैंक है इसमें बहुत अच्छी पोस्टें आई हैं जो कि असिस्टेंट मैनेजर की हैं और स्केल वन की पोस्टें हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है और इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। हम आपको बताएंगे जो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन हुए हैं वो आपके 2 मार्च से शुरू हो गए हैं और इसके जो ऑनलाइन आवेदन जो होने की डेट है वह इसके जो आवेदन होंगे वह जो हैं 28 मार्च तक इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे। और जो इसके लिए जो फीस रखी गई है आपके लिए जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपये है और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ट के लिए 100 रुपीज़ रखी गई है। जो असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट हैं टोटल पोस्ट 15 पोस्टें निकली हैं इस बार। बहुत अच्छी पोस्ट हैं क्योंकि नेशनल हाउसिंग बैंक आप जानते हैं बहुत अच्छी पोस्ट होती है और इसमें आपको पहले तो बैचलर डिग्री आपको क्लियर होनी चाहिए, मतलब कि आप ग्रेजुएशन होने चाहिए और आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST से हैं तो आपके 55% मार्क हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। टोटल पोस्ट 15 हैं, जनरल की 7 पोस्टें हैं और EWS की 1, OBC की 5, SC की 1, ST की 1 है। ये जो पोस्टें हैं असिस्टेंट मैनेजर स्केल वन की पोस्ट हैं, इसके लिए जो आपकी एज लिमिट है मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 28 साल रखी गई है और आपकी एज लिमिट 1/3/2019 के आधार पर काउंट होगी। तो ये और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दी गई है, वो आपकी एग्ज़ाम डेट है 21/4/2019, 21 अप्रैल 2019 को आपका एग्ज़ाम होगा नेशनल हाउसिंग बैंक असिस्टेंट मैनेजर स्केल वन का। तो दोस्तों आप इसके लिए अगर आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप सरकारीrezult.com पर चले जाइए, वहाँ पर आप इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो वो लोग कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जो है एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।